अगर आप लोग भी लोन के लिए परेशान हैं, कई एप्लीकेशंस को अगर आपने ट्राई कर लिए हैं, आप सबका क्रेडिट स्कोर लो है, कई सारे एप्लीकेशंस को ट्राई कर लिए हैं, लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग एक बार इस एप्लीकेशन से ट्राई कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप सबका जैसा सिविल स्कोर होगा वैसा लेंडर यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा और किसी न किसी लेंडर से आप लोग को यहाँ पे लोन जो है वो मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है तो मुझे यहाँ पर देखेंगे दो लेंडर की तरफ से मुझे यहाँ पे लोन दिया गया है जो कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है और आप सबके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप लोग क्विड एप्लीकेशन से पर्सनल लोन जो है वो अप्लाई करके ले सकते हैं। तो कैसे अप्लाई वगैरह करना है कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जो है एंड तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सब चैनल पर नए हैं, पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोग आएंगे प्ले स्टोर पर, आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेंगे क्विड, लिख करके आप लोगों को यहाँ पर सर्च करने हैं। इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। हमारा यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। तो इसके अंदर लोन जो है वो आप लोग 59 सेकेंड में यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि 59 सेकेंड में आप लोग को यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग लोन को लेना चाहते हैं गाइस तो नीचे यहाँ पर डन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ अपना पेज जो है कुछ डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे जो पैन कार्ड पे है, लास्ट नेम को यहाँ पर डालेंगे जो पैन कार्ड पे है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे, आप सबके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। या फिर नीचे यहाँ पर देखिए लॉगिन विथ गूगल का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोग चाहे तो अपना गूगल से भी यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे गाइस तो यहाँ पर देखिए कि आप सबका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है, आपका ईमेल आईडी सारा कुछ यहाँ पर सिलेक्ट ले लेगा। बाकी यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको डाल करके यहाँ पे आप लोग जो है वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सभी डिटेल्स को कम्प्लीट कर लिए हैं, सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे, अब हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ओटीपी को डाल दिए हैं, उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। आप लोग चाहे तो यहाँ पे नोट नाउ कर सकते हैं या फिर इसका टर्न जो है नोटिफिकेशन ऑन करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि आप सबको जो लोन का रिक्वायरमेंट है वो कितने अमाउंट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डालेंगे। तो आप लोग को जितना लोन चाहिए गाइस आप लोग उतना लोन यहाँ पर डाल सकते हैं, जितना लोन का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करना है। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना ईयर्स को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आप लोग अपना मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग अपना डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो आधार पेन पे है वही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन से मिलेंगे, जस्ट इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि आप लोग जेंडर बताइए, आप सब अगर मेल हैं तो मेल वाले को टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल वाले को टिक करेंगे ठीक है। तो आप लोग अगर मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल वाले को टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि अगर आप लोग मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरी वाले को टिक रखेंगे, खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो इस वाले पे कर सकते हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो नीचे वाले को टिक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जिनका अप्लाई कर रहा हूँ ये यहाँ पे सैलरीड पर्सन है तो हम सैलरी वाले को ही टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि इनका मंथली इनकम क्या है, मंथली सैलरी कितना मिलता है वो यहाँ पर डालिए। तो एक मंथ में जितना कमाती हैं उतना यहाँ पर डालना होगा। तो आप लोग एक मंथ में जितना अर्निंग करते हैं, जितना आप सबका मंथली सैलरी होगा वो आप लोग जो है यहाँ पर डाल लेंगे ठीक है, जितना मंथली सैलरी है यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन से आएंगे, जस्ट इस वाले पर आप लोगों को क्लिक करने हैं। अब दोस्तों जैसे ही इस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा सैलरी मोड, मतलब कि आप लोग जो इनकम करते हैं वो आप सबके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है या फिर आप लोग के हाथ में कैश मिलता है या फिर चेकबुक मिलता है या फिर अदर तरीके से आप लोगों को ये सैलरी मिलता है। तो अगर बैंक में आता है तो बैंक वाले को टिक करेंगे, कैश मिलता है तो कैश में, चेक मिलता है तो चेक वाले को टिक करेंगे ठीक है। तो मेरा फिलहाल जिनका अप्लाई करता हूँ बैंक में ही सैलरी आता है तो बैंक वाले को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा और 5 मिनट का यहाँ पे आप लोगों को समय दिया जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे अब गाइस आप लोगों को अपना पैन नंबर डालना है, 5 मिनट का समय है तो यहाँ पे आप लोग 5 मिनट के अंदर ही अपना पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे और सबमिट एंड जनरेट ऑफर है इस वाले पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद अगर आप सबके लिए कोई लोन ऑफर होगा तो वो आप सबको यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पेन नंबर को डालकर सबमिट एंड जनरेट ऑफर वाले पे जो है क्लिक करते हैं। सही, आप सब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं गाइस, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ से आप लोग को 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिलेगा। ठीक है, पर्सनल लोन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप लोग को क्रेडिट कार्ड लोन चाहिए तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप लोग को बिजनेस लोन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को कार लोन चाहिए तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। जब यहाँ पे आप लोग लोन ले करके अच्छे तरीके से चुकाने लगेंगे तो आप सबके लिए यहाँ पे प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी दिए जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर लोन को लेना चाहते हैं तो कई तरीके से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन अगर लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन वाले पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आप लोग को आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से किसी से भी आप लोग यहाँ पे फाइंड करके लोन ले सकते हैं। फॉर गाइज की मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी एक को फाइंड कर लेंगे, अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इस वाले पे जस्ट हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज क्या होगा, इस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग को रीडायरेक्टिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिलेगा लोन का ऑप्शन। ठीक है, हमें लोन का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे भी बहुत सारा लोन का फीचर्स आएंगे, जैसे कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, कई तरीके का लोन, अलग अलग तरीके का लोन यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। बाइक लोन लेना है या फिर आप लोग जेसीबी लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। कई तरीके का लोन यहाँ पे है, तो आप लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन यहीं पे मिलेगा, फर्स्ट में ही, इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग को 40,00,000 रुपए तक का पर्सनल लोन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो 40,00,000 का लोन हमें यहाँ पर दिया जाएगा। टेन्योर की अगर बात कर ले तो 96 मंथ का यहाँ पर समय भी मुझे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे 40,00,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो इजी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करके आप लोग जो है वो लोन को ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, तो इंडियन पर्सन होना चाहिए, एज कम से कम 21 से 80 होना चाहिए, और एम्प्लॉय विथ में यहाँ पर आप लोग देखिए, चाहे आप लोग पब्लिक में कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी मिल जाएगा। सिविल स्कोर यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम यहाँ पे 685 आप सबका होना चाहिए, और मंथली सैलरी आप सबका यहाँ पर 25,000 रुपए होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर लोन को ले पाएंगे। केवाईसी के डॉक्यूमेंट की अगर बात कर ले तो आधार कार्ड आप सबके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बस आधार पैन पे ही यहाँ पे लोन अमाउंट आप लोगों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो अपना ईएमआई को कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि 20,000 से लेकर के 40,00,000 तक का लोन है, तो जितना लोन आप लोग लेना चाहते हैं उतना यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेन्योर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग को कितने मंथ के लिए लोन चाहिए, कम से कम 12 मंथ है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 96 मंथ यानी कि 96 मंथ के लिए आप लोगों को लोन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो जितने मंथ के लिए आप लोग लेना चाहते हैं उतने मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 20,000 के राशि को सिलेक्ट कर लिए हैं फिलहाल यहाँ पे 12 मंथ के लिए। तो ईएमआई जो अमाउंट बनेगा वो 1834 रुपए का बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा 2,000 रुपए और टोटल यहाँ पर पेमेंट करना होगा 22,000 रुपए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने के बाद तो अप्लाई नाउ मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे का प्रोसेस आप लोग जो है वो कंप्लीट करके लोन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोग अपना डिटेल्स को डालेंगे तो जो भी लेंडर आप सबके लिए होगा वो आप सबके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी जो है एक लेंडर को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे और उससे आप लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, लोन अमाउंट आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना डिटेल्स डालते हैं तो आप सबका जो भी सिविल स्कोर होगा और जितना लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब का लेंडर यहाँ पे आप लोगों को दिए जाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों को कोई एक लेंडर को यहाँ पर फाइंड करना है और उससे आप लोगों को यहाँ पे लोन के लिए जो है अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे क्विड एप्लीकेशन के अंदर जो है लोन ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेशन आप लोग को डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अपना सारा कुछ यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो आप सबका जैसा क्रेडिट स्कोर होगा, जैसा आप लोग यहां पर एलिजिबल होंगे, वैसा यहां पर आप सबको लेंडर जो है वो प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि हमारे केस में यहां पर 6-7 लेंडर प्रोवाइड हुआ, जिसमें हमें एक लेंडर से 10,000 मिला और एक लेंडर से यहां पर 1,00,000 रुपये भी मिला है। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी लेंडर मिलेंगे उन तमाम लेंडर से आप लोगों को यहाँ पर जो है ट्राई करना है, किसी न किसी से आप लोगों को यहाँ पर लोन दिया जाएगा। जैसा आप सबका क्रेडिट स्कोर होता है वैसा लेंडर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्विड एप्लीकेशन के माध्यम से जो है अदर लेंडर से यहाँ पे लोन जो है वो ले सकते हैं।